बुधवार को सुबह राज्यसभा प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू ने जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बीजेपी के सभी कैबिनेट मंत्री और विधायकों का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। पंजाब और हरियाणा हमेशा देश के दुश्मनों पर कड़ी निगरानी रखते हैं और उन्हें सिर उठाने नहीं देते। यह वीरों की भूमि है, उन्होंने मुझे यह अवसर दिया है, मैं सदैव उनका ऋणी रहूंगा। राजस्थान ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है उसके बारे में बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि आप मुझे राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने का अवसर देंगे तो मैं भाजपा और राजस्थान की सफेद चादर पर कोई दाग नहीं लगने दूंगा। राजस्थान के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि राजस्थान के कुछ दिन पहले हमारे चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर और हमारे पंजाब के गवर्नर श्री गुलाब सिंह जी कटारिया साहब, जो 8 बार से ज़्यादा विधायक रहे, ऑपोजिशन लीडर रहे और उन्होंने जाके अपना प्रभार संभाला है और ये कुछ ही दिनों में जो मेरी नॉमिनेशन पार्टी ने की वो राजस्थान से की। तो राजस्थान एक ऐसा प्रदेश और पंजाब जहाँ से मैं आता हूँ, दोनों हमेशा देश की रक्षा के लिए, देश की शान के लिए, देश की पगड़ी के लिए, मैं समझता हूँ हर वक्त पाकिस्तान सीमा पे तैनात रहते हैं, अपनी कुर्बानी अपनी जान तक निशावर करते हैं। और दूसरी बात, हमारे बॉर्डर हैं जो जहाँ हनुमानगढ़ की बात करूँ, गंगानगर की बात करूँ, तो सारा जो है वो पंजाब से लगते हैं। तो मुझे पर अब मैं राजस्थान से एमपी हूं तो मेरा जो जन्म भूमि पंजाब है, अब कर्म भूमि जो वो पंजाब और ख़ास तौर पे राजस्थान रहेगा। राजस्थान के हमारे बहुत बड़ा हिस्सा है जो कैबिनेट में राजस्थान से प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है और मैं भी उसमें जैसे आपने कहा आज शामिल हो जाऊंगा। और कोई भी जो मेरे पास मिनिस्ट्रीज हैं, रेलवे है, फूड प्रोसेसिंग है और मिनिस्ट्रीज हैं, उसके लिए कोई भी कमी राजस्थान के लिए नहीं छोड़ी जाएगी। राजस्थान के टूरिज्म के लिए, राजस्थान के लिए, क्योंकि मेरे पास जो फूड प्रोसेसिंग है उससे, क्योंकि जितना खाना जहाँ इतनी जो सेहत के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, वो जिसको ऑर्गेनिक कहते हैं, जिसको